तो हेलो गाइस, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं इंडियन टॉय स्टोर। दोस्तों आप सबके यार बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं डॉल हाउस लाओ, डॉल हाउस लाओ। तो दोस्तों फाइनली मैं यहां पे हैप्पी फैमिली डॉल हाउस लेके आ चुका हूं। यहां पे दोस्तों आप लोग देख सकते हो कितना बड़ा यहां पे ये डॉल हाउस मिलने वाला है। प्राइस की मैं दोस्तों बात करूँ तो ये कुछ मार्केट में 2000 रुपये के आसपास मिलता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कुछ हाईलाइट में चीज़ें दिखाई गई हैं। वैसे दोस्तों ये जो बॉक्स है ना वही दोस्तों खुद एक डॉल हाउस है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे इसकी जो मेकिंग कारीगरी है वो भी कुछ हाउस जैसी बने गई है। ये देखिए विंडो वगैरह मेकिंग किया हुआ है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके का ये बॉक्स मिलने वाला है। तो ये देखिए यहाँ पे सारी की सारी जो चीज़ें वो आपको नज़र आ रही होगी। इसके पीछे दोस्तों देखें तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो सेट हमें मिलने वाला है इसके अंदर वो पिक यहाँ पे नज़र आ रही होगी आपको। तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग ये हमें डॉल हाउस मिलने वाला है। तो दोस्तों लास्ट एक वीडियो जो देखना तभी आप लोगों को मज़ा आएगा। मैं आपको बताऊंगा कि ये जो वाला डॉल हाउस है वो आप लोगों को परचेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इस वीडियो का लाइक का टारगेट है 5000 लाइक। तो मुझे पता है दोस्तों आप लोग लाइक को ज़रूर पूरा करोगे। चलिए दोस्तों ज़्यादा वक्त ना गवाते इसको कर लेते हैं ओपन। तो देखते हैं दोस्तों इसकी। सीखने की बुक होती है वो भी यहाँ पे प्रिंटेड हमें मिलने वाली है। क्वालिटी की बात करो तो काफ़ी बेस्ट क्वालिटी है प्लास्टिक की और काफ़ी अच्छा मॉडिफाई किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे हमें मॉडर्न स्टाइल में फ्रीजर भी मिलने वाला है। अगर दोस्तों थोड़ा सा अच्छा दिया हो तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग रहता, क्योंकि ये भी सिर्फ शो पीस के लिए मिलने वाला है। यहाँ पे कोई भी डोर बोर ओपन होने वाले है नहीं। दोस्तों यहाँ पे हमें मिलने वाली है स्मार्ट LED। तो यहाँ पे आप लोग LED देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। और ये देखिए यहाँ पे बारबी का पिक भी लगा हुआ है। तो प्लास्टिक क्वालिटी की बात करो तो काफ़ी अमेजिंग क्वालिटी है इसकी भी। लास्ट में यहाँ पे है प्यारा सा दोस्तों मॉडर्न सोफा हमें मिलने वाला है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो और काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। ये भी सिर्फ शो पीस के लिए, लेकिन इसकी दोस्तों जो फिनिशिंग और यहाँ पे डिज़ाइन वगैरह आप लोग देख सकते हो काफ़ी मस्त है। अभी दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ छोटा मोटा सामान है तो इसकी भी क्वालिटी चेक कर ही लेते हैं भाई कैसी है क्वालिटी। तो फर्स्ट में हमें मिलने वाला है एक झूला, लेकिन दोस्तों ये जो झूला है वो सिर्फ शो पीस के लिए है। यहाँ पे सिर्फ आप लोग बैठ सकते हो, ये झूला झूलने वाला बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये जॉइंट है। मेकिंग कारीगरी दोस्तों काफ़ी अमेजिंग है। यहाँ पे न्यू स्टाइल मिलने वाली है, प्लास्टिक क्वालिटी भी काफ़ी बेस्ट है। यहाँ पे है हमारा किचन प्लेटफॉर्म बहुत ही छोटा सा। तो यहाँ पे दोस्तों माइक्रो ओवन भी साथ में मिलने वाला है। ये जो काउंटर है उसके ऊपर दोस्तों रखा हुआ है। यहाँ पे ये जो धुएं वगैरह खींचने की मशीन जो होती है वो भी लगाई हुई है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हो चिमटा वगैरह भी लगा हुआ है। यहाँ पे नल है, ये ब्रेड मेकर है। यहाँ पे दोस्तों जो डिश वगैरह रखने की अलमारी होती है वो भी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बहुत सारी अलमारी है। यहाँ पे ये डोर्स वगैरह काफी दोस्तों छोटा सा है, लेकिन बहुत सारी चीजें इसमें दिखाई गई है, तो ये मुझे काफी अमेजिंग लगा। इसके बाद हमारी फैमिली की बात कर लेते हैं। काफी मस्त कैरेक्टर मिलने वाले हैं और इसके दोस्तों हैंड मूवेबल है, दोनों एक ही साथ मूव कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे एक प्यारी सी गुड़िया है, इसकी ये मॉम और ये डैड। तो डैड तो यार काफ़ी कमाल के नज़र आ रहे हैं। ये देखिए प्लास्टिक क्वालिटी की बात करो तो काफ़ी अमेजिंग क्वालिटी मिलने वाली है। ये आप लोग देख सकते हो काफ़ी मस्त। और यहाँ पे एक छोटा सा मिरर टेबल भी हमें मिलने वाला है, जो दोस्तों काफ़ी अमेजिंग यहाँ पर बनाया गया है। ये देखिए यहाँ पर छोटा सा डोर भी है। और ये है दोस्तों एक अलमारी जिसमें बैग वगैरह, किताब, यहाँ पे शूज़ वगैरह रखे हुए हैं। यहाँ पे दोस्तों पर्स वगैरह या फिर ज्वेलरी भी है, तो आप लोग देख सकते हो। ये भी थोड़ा सा दोस्तों अच्छा दिया तो काफ़ी अमेजिंग रहता है। यहाँ पे दोस्तों डोर ओपन होने वाले हैं नहीं, सिर्फ शो पीस के लिए है। और लास्ट में दोस्तों यहाँ पे एक बड़ी वाली अलमारी हमें मिलने वाली है, जिसमें दोस्तों आप लोगों को कुछ मॉडर्न कपड़े नज़र आ रहे होंगे। ये जो अलमारी है वो कपड़ों के लिए ही है। तो ये देखिए यहाँ पे डोर्स वगैरह मेकिंग किए हुए हैं
और काफी दोस्तों मस्त लग रही है अलमारी। यहाँ पे आप लोगों को जिसका इंतजार था अभी वो मैं निकालने वाला हूँ। तो देखते हैं दोस्तों ये हाउस कैसा हमें मिलने वाला है, क्या क्या इसके फंक्शन है। तो ये कुछ नॉर्मल सा निकल जाएगा, ये देखिए। तो दोस्तों यहाँ पे प्लास्टिक क्वालिटी की बात करो तो काफी अच्छी क्वालिटी हमें मिलने वाली है। और ये जो दोस्तों हाउस है वो पूरा का पूरा इस तरह से ये बन भी होता है। तो ये देखिए कितना यार अमेजिंग ये हाउस बन गया। और इसमें दोस्तों चारों के चारों जो डोर्स है वो ओपन होते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप लोग गैलरी वगैरह देख सकते हो, ये देखिए ये मिरर वाला जो डोर है वो भी ओपन होता है। यहाँ पे ये मेन डोर है वो भी दोस्तों ओपन होता है, ये देखिए ये भी ओपन होता है। फिर यहाँ पे ये जो दूसरी गैलरी है उसका भी विंडो ओपन होता है। और ये देखिए ये छोटा सा दरवाजा है वो भी दोस्तों अंदर ओपन होता है। तो यहाँ पे ये विंडो वगैरह देख सकते हो, यहाँ पे विंडो, ये मॉडर्न विंडो है। फिर ये देखिए यहाँ पे विंडो है, यहाँ पे ये स्टिकर लगाया गया है जिसके अंदर से बच्चे देख रहे हैं बाहर। ये देखिए छोटी छोटी वाली विंडो, यहाँ पे ये जो ऊपर का थर्ड जो माल होता है उसकी भी विंडो यहाँ पे है। तो अभी दोस्तों आप लोगों को मैं अंदर का नज़ारा दिखा देता हूँ। तो फुल फ्रेम ये देखिए, यहाँ पे दोस्तों फैक्सिंग वगैरह लगी हुई है, ये देखिए यार ये जो हाउस है यार काफी ज्यादा अमेजिंग। और कुछ इस तरीके से आप लोग कैरी भी कर सकते हो। तो अभी दोस्तों आपको इसका अंदर का नजारा दिखाता हूं कि अंदर क्या है। तो ये देखिए दोस्तों अंदर कुछ भी होने वाला नहीं, लाइट वाइट वगैरह कुछ भी नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये देखिए कुछ स्टिकर वगैरह लगे हुए हैं जिसमें सोफा सेट, यहाँ पे बेड वगैरह है। यहाँ पे ये देखिए इसमें भी ऐसा ही है, सोफा सेट बेड वगैरह। तो कुछ दोस्तों इस तरीके का हाउस हमें मिलने वाला है। आप लोगों को दोस्तों कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना। मुझे दोस्तों प्लास्टिक क्वालिटी और यहाँ पे इसकी जो मेकिंग कारीगरी है वो काफ़ी ज़्यादा मस्त लगी। और आप लोग इसको शो पीस में भी रख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो भी तो खत्म हुई नहीं है, लास्ट में दोस्तों इसका क्लोजअप लुक दिखाने वाला। तो प्लीज़ यार लास्ट तक वीडियो जरूर देखना। आप लोगों को दोस्तों ये जो डॉल हाउस है वो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना। मुझे दोस्तों प्राइस के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बेस्ट लगा। अगर दोस्तों ये 1500 या 1400 के आसपास मिलता तो काफ़ी अच्छा रहता, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ सामान मिलने वाला है नहीं, ये नॉर्मल सा दोस्तों सामान है। अगर ज़्यादा सामान होता तो ठीक ठाक था। प्लास्टिक क्वालिटी दोस्तों मुझे काफ़ी बेस्ट लगी। और सबसे ज़्यादा दोस्तों जो पसंद आने वाली चीज़ है यहाँ पे ये हाउस, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे जो डोर है वो ओपन होते हैं। और काफ़ी दोस्तों फिनिशिंग से इसको मॉडिफाई किया हुआ है, जैसे कि दोस्तों ये मॉडर्न ही लगे। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए। जो लोग नए हैं वो लोग हमें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में आगे भी लेके आने वाला। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।